नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलबीर सिंह चश्याल और आज फिर मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है, ये हमने आज की स्टडी के ऊपर जो बच्चे टारगेट अचीव कर रहे हैं और अच्छे ग्रेडों से आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके ऊपर बनाई हुई है। और आज हमारे साथ है जम्मू की एक बहुत ही लायक बच्ची और जम्मू के लॉक पीरियड में भी, मतलब लॉकडाउन जो कोरोना वायरस के कारण चल रहा था उसके दौरान भी बच्चों ने बड़ा अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो उसके ऊपर ही हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। पहले आप बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम कर्मांक्षी है, मैं इस टाइम 11th में हूँ। अच्छा। अभी मेरा रिसेंटली 10th का रिजल्ट आया है। अच्छा, ये 10th का रिजल्ट जो आपका ये 2020 का है। हाँ जी, 2020 का। लास्ट 2020 का जो रिजल्ट था ये पेंडिंग हो गया था पीछे, तो ये काफ़ी थोड़ा लेट आया है मेरे हिसाब से। शायद आपने अभी नेक्स्ट एडमिशन भी ले ली है। हाँ जी। कहाँ पे एडमिशन लिया आपने? मैंने इस टाइम गवर्नमेंट स्कूल शास्त्री नगर में एडमिशन ली है। बट इससे पहले मैं कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में थी। अच्छा, तो अभी क्या सब्जेक्ट वगैरह चूज़ किया आपने? अभी मैंने मेडिकल चूज़ किया है फिलहाल। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है मेडिकल। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो हमारे लिए मेडिकल सोचना ही बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हमें बड़े कम मार्क्स आए थे, ना के बराबर। हम जहाँ पे बोलेंगे तो खैर बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि 10th क्लास हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता था, क्योंकि हमें बोर्ड के जो पेपर वगैरह बड़े अजीब से लगते थे, क्योंकि नाम सुन के ही डर लगता था। तो आपको बहुत कॉन्ग्रेट्स बोलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच कि आपने कितने नंबर्स लाए हैं आपने? मैंने एवन ग्रेड 92% लाए। 92%, क्या बात है, बहुत क्लैपिंग आपके लिए। तो क्लैपिंग होनी चाहिए। सभी दर्शक दर्शक जो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अच्छी बेटी है ये, और घर में भी पूरा ध्यान रखती है। छोटे बहन भाई हैं इसके, और वो पूरा उनको भी देख रेख करती है, अच्छे से खाना बनाती है, खाना बड़ा टेस्टी बनाती है, मैंने रात का खाना खाता रहता हूँ। तो कर्मांक्षी जी, मुझे ये बताइए कि आप इन कोरोना वायरस के दौर में जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें आपने ये कैसे पढ़ाई की इतनी, जो इतने अच्छे मार्क्स आए आपके? लॉकडाउन के टाइम हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, ऑनलाइन क्लासेस से ही हो रहा था। बट हमें एक मतलब एडवांटेज मिला कि हमें ज़्यादा टाइम मिल गया खुद से सेल्फ स्टडी करने का। तो हमारी टीचर्स ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने बाकी हमारे पे डिपेंडेंट था, जो करवाते थे हम उसको करते जाते थे, ऊपर से कोई हेल्प चाहिए होती थी तो टीचर्स कभी मना नहीं करते थे। तो इसका बहुत एडवांटेज हुआ कि खुद से सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिला, तो उसकी वजह से अब मतलब मेहनत की मैंने, ज़्यादा मेहनत की, पर थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से रह गया थोड़ा। चलो बहुत, फिर भी इतनी बड़ी बात होती है लॉकडाउन में। जहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे या उनके पेरेंट्स वगैरह बड़े परेशान हैं, क्योंकि बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं, बच्चे लगभग 2-3 साल समझो पीछे ही हो गए हैं, क्योंकि बच्चे सब कुछ भूल गए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो इस बात से परेशान हैं कि हमें बच्चों को कुछ पीछे वाली क्लासों में डालना पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा जो टारगेट अचीव किया है, तो आपको एक बार फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जो, ये पढ़ने में क्या थोड़ा ज़्यादा आसानी है टीचरों को, स्कूल लाइव जाने से अच्छा है या ऐसे ऑनलाइन क्लासेस? लाइव जाने से तो अच्छा नहीं है, लाइव में मतलब टीचर से कांटेक्ट होता है आपका फेस टू फेस, आप कुछ भी डाउट हो सामने क्लियर कर सकते हो। पर मतलब ऑफलाइन में बहुत फ़र्क है ऑनलाइन के बजाय। ऑनलाइन में आप मतलब फेस टू फेस ऐसे जैसे कि टीचर्स क्लास में बताती हैं ना, वैसे आप नहीं कर पाते। पर हाँ, थोड़ा बहुत एडवांटेज खुद को मिलता है कि आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस टाइम आपको ज़्यादा टाइम, जितना टाइम हम स्कूल में देते हैं उतना खुद पे सुधार करने में हम देते हैं इस टाइम, तो टीचर्स का तो काफ़ी ज़्यादा हमारे में योगदान रहा। बिल्कुल। अच्छा, आप कौन से स्कूल से अभी लास्ट आपने 10th की? हाँ, मैंने कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजवानी जम्मू से की है अभी 10th। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा स्कूल है। तो स्कूल वालों का भी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे का सोसाइटी बहुत डिपेंड करती है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला हो तो किसी भी स्कूल से पढ़ जाता है, जो कहने की बातें हैं। अगर पढ़ने वाले बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूलों से ही बच्चे बहुत आगे निकले हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई लिखाई कैसे करते हो और आपकी खुद कितनी मेहनत करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बताइए कि आप ये जो आपने अभी कामयाब भी है, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपको शायद नहीं लग रहा हो क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो ये आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देते? मैं सबसे पहले अपने स्कूल के से हमारी प्रिंसिपल सिस्टर मारिया स्वाति, टीचर्स, फैमिली, पेरेंट्स सबको देना चाहूँगी, खास के फैमिली मेम्बर्स,
जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया जब मुझे ज़रूरत थी, दे वर देयर। तो इसलिए मैं सबको देना चाहूँगी जो भी इसमें रहे हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है। मैंने सुना हुआ है कि आपके घर का जो थोड़ा मैनेजमेंट है, जो सारा सिस्टम है, वो क्या है, थोड़ा अपने डिटेल में बताइए। आप घर का सारा काम वगैरह करती हैं क्या? एक्चुअली हमारी मम्मा आउट ऑफ स्टेशन है, तो फिर घर में सबसे बड़ी, मतलब सिबलिंग्स वगैरह में सबसे बड़ी मैं आती हूँ, तो घर का थोड़ा बहुत प्रेशर भी मुझ पर है, मतलब घर की जिम्मेदारी, पापा, बहन भाई, तो फिर किचन वगैरह जो भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आती है, अपने भाई बहन को भी संभालना, पापा को भी संभालना। वैसे तो सब कोऑपरेट करते हैं, पापा, भाई बहन सब बड़े, मतलब कोऑपरेट तो करते हैं, बट फिर भी एक होता ना कि आप बड़े हो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, मतलब खुद करना, खाना बनाना, घर का देखना सब कुछ। बहुत अच्छी, बड़ी बहुत अच्छी बात है। मेरे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक छोटी सी बच्ची जो 15-16 साल की है, और इस टाइम ही वो लगभग एक 25 साल की लड़की की तरह मैं कह सकता हूँ कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और घर का सारा मैनेज करती है, और बहुत समझदार बच्ची है और बड़े अच्छे तरीके से सारा सिस्टम चला रही है। हमारी पूरे फैमिली में बहुत प्राउड है इस पर हमें, क्योंकि ये बहुत लाइक है। और ये आगे ये बताइए कि आपने जो सब्जेक्ट चुना हुआ है मेडिकल, तो इसी मेडिकल ही क्यों चुना, और भी तो बड़े सारे सब्जेक्ट थे। मेडिकल मैंने इसलिए चुना, हमारे ना जो मतलब गांव वगैरह ना, जो हमारे दांत के वगैरह जहाँ से हैं, तो वहाँ हम जाते हैं, शिवकोड़ी तरियाट। अच्छा, शिवकोड़ी तरियाट, हाँ, उधर से हैं तो हमारे, तो उधर जाके देखो ना, आपको मतलब ऐसा लगता है कि हम भी किसी की हेल्प कर रहे हैं। होता है ना फैसिलिटीज़, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ कैसी हैं, तो एक वो मोटिवेशन मिलती है, एक इंस्पायर करता है कि काश मैं भी किसी की हेल्प कर पाऊँ, कि मैं इन सबका अच्छे से ध्यान रख पाऊँ। जैसे कि इधर हमारे पास तो चलो मतलब मनी वगैरह की इतना नीड नहीं है, उधर काफ़ी है कि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे से नहीं है, या फिर हैं अगर तो फिर खुद का भी मतलब पैसे वगैरह। गांव में तो थोड़ा सिटी के मामले ये होता ही है कि वो गांव थोड़े पिछड़े रहते हैं, तो बड़ी सारी फैसिलिटीयां नहीं है, तो फिर मैं उन सबकी मतलब हेल्प करना चाहती हूँ किसी ना किसी वे में, तो डॉक्टर से अच्छा तो कुछ है नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपकी ये सोच सुन के मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हम नहीं सोच पाए थे, हमारा टाइम कुछ और था, आज इतने सिस्टम नहीं थे, आज बड़ा कुछ आ गया है, लेकिन पढ़ना बड़ा टफ है। फिर भी आपने बहुत अच्छे से ये सब किया, और मेडिकल चूज़ करके आपने जो सोचा है, हम चाहते हैं कि आप उसको जल्दी जल्दी अचीव करें, क्योंकि उसके लिए तो टाइम लगेगा ही, जो पढ़ाई है वो तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं आपको एडवांस में ही। अच्छा, ये बताइए आपकी जो स्टार्टिंग की स्कूलिंग है वो कैसी रही, और आज तक का सफ़र आपने कैसे तय करिए, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमें। मैं स्टार्टिंग में ना ब्लूमिंगडेल पब्लिक हाई सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में थी। कहाँ करके? ये नानक नगर में। अच्छा, ब्लूमिंगडेल स्कूल में थी। फिर UKG में मैंने कार्मेल कॉन्वेंट में एंटर किया, एंड फ्रॉम दैट डे माई जर्नी चेंज्ड। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं कुछ कर सकती हूँ। जब मैं बड़ी होती गई ना, टीचर्स तो बहुत अच्छे, हमारी प्रिंसिपल अभी प्रेजेंट में जो हैं, सिस्टर मारिया स्वाति, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने हमेशा हमें अच्छी वैल्यू सिखाई हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करना, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं हमारे स्कूल में। और ऊपर से स्कूलिंग तो मतलब एजुकेशन में तो हम कह सकते हैं नंबर वन है हमारा स्कूल। टीचर जितने अच्छे से आपको रिस्पॉन्स करती हैं, मतलब आपको लेफ्ट आउट फील नहीं होता है, मोटिवेट करती है कि आपको जो करना है ना आप करो, आपके साथ हम खड़े हैं हर चीज़ में, वो हमारे साथ। बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्कूलों को भी मैं बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बच्चों को इतना अच्छे से एजुकेट किया है कि बच्चे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो स्कूलों की देन होती है, स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं उनका ही सारा सिस्टम होता है। जैसे आप ब्लूमिंगडेल स्कूल का नाम ले रहे हैं, तो ब्लूमिंगडेल स्कूल का भी काफ़ी नाम सुना हुआ है, शायद वहाँ के राम मूर्ति जी, हाँ, वो बड़े अच्छे पर्सन हैं, उनकी स्कूल भी बड़ा अच्छा है, वो बड़ा नॉमिनेट स्कूल है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके मैसेज से, जो आप आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कि आपको देख के, आपको सुन के बड़े सारे बच्चे इस चीज़ से सीखें कि इंसान कहीं से भी आया हो वो कुछ भी अचीव कर सकता है, बस वैसी फीलिंग्स और वैसी सोच होनी चाहिए। और ये बताइए कि फ्यूचर में जो आपने सोचा हुआ है, या जो आपने जो आज तक अचीव किया है, उसमें आपके फैमिली का कितना योगदान रहा है, कि आपके फैमिली, जैसे मैंने सुना कि आप एक मीडियम फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, अपने सर्कल में मुझे पता है मेरे ब्रदर हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली कोई बड़ी बड़ी इनकम नहीं होती,
तो आपको कभी लगा कि पापा आपको इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, जब पापा कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, आपकी सिस्टर भी कॉन्वेंट में ही हाँ पढ़ती जी है, तो हाँ आप दो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता है कि पापा कैसे। मैं मतलब अपने पापा को देखती हूँ ना, उनसे भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। मतलब आप मिडिल क्लास से हो जब, तब आपके मतलब हम तीनों भाई बहन हैं, तो हम दो बहनें तो कार्मल कॉन्वेंट में ही हैं स्टार्टिंग से। मतलब UKG LKG हमने वहाँ से की, दूसरे ब्लूमिंगडेल से, बट हम उसके बाद कॉन्वेंट में हैं। और कॉन्वेंट नंबर वन स्कूल है, मतलब गर्ल्स के लिए आपको ना कि बेस्ट से बेस्ट स्कूल है डिसिप्लिन हर चीज़ में। तो फिर हमें भी फील होता है, मतलब ऑफकोर्स बड़ा स्कूल है तो फिर पैसे ज़्यादा हाँ लगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी पैसा ज़्यादा। लगता हाँ, है, ऊपर खर्चा से तो होता हमारा ही है। भाई भी सेंट पीटर में है, अच्छा, तो फिर गुड, मतलब पापा पे देख के लगता है कि हाउ मतलब हाउ कैन ही मैनेज इट। बिल्कुल, पर अब एक अंदर से ना वो आता है कि जैसे उन्होंने किया ना, उन्होंने जो हमारे लिए किया ना, बस इतना हम कर सके कि उनको भी वो पे ऑफ कर सके बिल्कुल जो उन्होंने बिल्कुल, बहुत किया है। अच्छी बात है। इतना सपोर्ट मिला है, मेरे भाई बहन छोटे हैं मुझसे, पर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मतलब कुछ कभी हो कि मैं बीमार हो जाऊँ या फिर कुछ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार मुझ पर थी, पर फिर भी भाई बहन बड़ा करते हैं आपस में। और पापा भी हमारे बड़े सपोर्टिव हैं हर चीज़ में। मतलब आप कहते हो ना कि ये लेना है वो लेना है, वो कभी नहीं दिखाते कि होता है, पापा का तो होता ही है कि नहीं भी होना तो भी लेके देंगे। तो फिर अभी देखो ना, खुद भी तो सोच आती है कि मैंने भी कुछ करना है बड़े होके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, आपको ये चीज़, इस चीज़ का एहसास है, बच्चों को इन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं क्या नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ते थे अपने स्कूल के टाइम, तो हमें भी इन चीज़ों का पता नहीं होता था, हमारे पापा फीस पे कर रहे हैं या क्या खर्चा दे रहे हैं, वो कहाँ से लाते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपनी माँ बाप की फीलिंग समझते हो, उनकी स्ट्रगल को समझते हो, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट यही हो जाती है। उसके बाद आप आगे कुछ टारगेट अचीव करते हो, लाइफ में कुछ बन जाते हो, तो माँ बाप को तो ज़्यादा योगदान आपसे चाहिए नहीं होता, वो तो आपकी लाइफ के लिए ही होता है। लेकिन माँ बाप को इस चीज़ की खुशी होती है कि चलो, जो हमने मेहनत की, हमारे बच्चों में वो चीज़ नज़र आ रही है। और बताइए कि आपकी बैकग्राउंड है, जो वहाँ जो आपने बताया शिवखोड़ी त्रियाट वाली साइड, वहाँ पे आपकी ज़मीनें वगैरह, या वहाँ पे क्या आपको है नॉलेज वहाँ के गाँव के वगैरह? हाँ, हम कभी कभार मतलब जाते हैं, विजिट करते हैं ईयर में एक दो बार। तो फिर मतलब देखा है, मतलब दादू वगैरह, रहते हाँ, हैं। तो फिर वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। पर पापा और मतलब चाची वगैरह सारे आ गए जम्मू, तो देखा है उधर, खुद भी देखे रिसोर्सेज वगैरह, मतलब हर एक चीज़ प्योर है एकदम, कहते हैं ना एकदम प्योर, ऐसे मज़ा आता है। बट फिर भी मतलब एक होता ना कि अपने, बेशक हम अभी यहाँ कर रहे हैं, हमारे पैदा वगैरह हम यहाँ हुए हैं जम्मू में, बट एक होता है कि आपको ना अपने साथ में लेके चलना होता है, आपके बैकग्राउंड को ना साथ साथ में लेके चलना होता है। तो फिर अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ ना मेरे गांव वाले भी प्राउड फील करें कि हमारे घर की बेटी, हमारे गांव की बेटी इतने सफल हुई है। हाँ, तो आप गांव में जाते हो, मैंने सुना आप काफ़ी टाइम भी लगा के आते हो। मैं थोड़ा गांव वालों के साथ भी, क्योंकि वहाँ के दर्शक भी मेरे चैनल को देखते हैं वहाँ से, तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये आप करमाखी को शायद जानते ही होंगे ज़्यादातर लोग, जहाँ के जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो ये बहुत सबको साथ में लेके चलने वाली लड़की है। तो सब इसको थोड़ा, इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को मैसेज आए कि बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चों के अंदर कितनी सेंसिटिविटी है, कितनी बच्चे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो दोस्तों, जस्ट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक मैसेज के तौर पर सबके पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। अच्छा करमाक्षी जी, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जैसे जब हम पढ़ते, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे ना ये सब चीज़ें इतनी थी नहीं, पढ़ाई लिखाई हम करते थे लेकिन हम खेल कूदने वाले ज़माने थे। आज बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया, मैं सिटी में देखता हूँ हर जगह इंस्टीट्यूट पे लाइन लगी हुई है, जितने महंगे इंस्टीट्यूट हैं इतना ज़्यादा रश है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, इन नंबरों की दौड़ में बच्चों को कैसा बिल्कुल टेंशन फ्री या कैसे करना चाहिए? आप पढ़ रहे हैं, आप इससे चूज रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ना मार्क्स आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते, हाँ एक हद तक करते हैं, बट वो आपको डिफाइन नहीं कर सकते। हमारी टीचर्स भी कहते हैं कि मार्क्स डोंट डिफाइन यू, आप जो हो ना वो हो। और पेरेंट्स भी, मतलब मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँ या फिर कुछ भी कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी ना पॉजिटिव रहना पड़ता है। अगर जैसे कि कुछ पेरेंट्स, मतलब होता है ना कि होते कि बच्चे हैं उनके पूरे फुल फुल मार्क्स लाए सभी बच्चे, सोचते हैं आप ना वो पॉजिटिव, अगर वो वाइब लेना उसको पॉजिटिव वाइब्स में डालें और अपने पे देखें, तो वो भी सोचेंगे कि हमारे टाइम पे भी ऐसा था, हम बच्चों पे, वो अपने आप को और अपने कहना क्या बच्चा है कि पेरेंट्स को लगना चाहिए कि बच्चा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, नंबर पे कम ध्यान दे, प्रैक्टिकल होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा,
पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को ना सपोर्ट करना चाहिए। कुछ बच्चे आजकल सुसाइड में कितने मतलब बच्चे कितना कुछ कर लेते हैं, वो भी दबाव में आके कि उनके फुल मार्क्स नहीं आए हैं या फिर कुछ भी। मार्क्स की दौड़ में जो रहेगा ना वो पीछे रह जाएगा। मतलब मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बट वो आपको डिफाइन नहीं कर सकते किसी वे में। जो आप हो ना वो आप रहोगे। मार्क्स के लिए आप अगर पीछे पीछे दौड़ोगे, आपका अगर एम ही इतना है कि मैंने मार्क्स इतने लाने हैं या फिर मेरे इतने मार्क्स आए, उसके आगे आपको पता नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है आपकी लाइफ में। आप क्या सक्सेसफुल होगे फिर कुछ बता नहीं सकते आप। और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि ना उनके बच्चों का जो वो है ना उनका टैलेंट बाहर आए, वो खुद फ्री फील करें, मार्क्स के पीछे नहीं करें, फ्री फील करें कि मैं इतना कर सकता हूँ। उनको उनकी पोटेंशियल का पता चले कि मुझ में इतनी पोटेंशियल तो है ना कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ और ये अचीव करके दिखाऊंगा। उसके लिए उनका पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा मैसेज है। मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि अपने बच्चों को उनका साथ दें, क्योंकि बहुत सारी फिल्में भी इसके ऊपर बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि फिल्मों में भी ये मैसेज दिया जाता है कि बच्चा जो करना चाहता है उस लाइन में उनको थोड़ा करें, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से बच्चे को नहीं चला सकते, क्योंकि बच्चे के मन में कुछ और चल रहा हो, वो कुछ और करना चाहता हो और आप उनको ज़बरदस्ती कहीं और लेके जाएं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बच्चा अगर अपने तरीके से जिस चीज़ में उसको खुशी मिलती है, जिस सब्जेक्ट में उसको खुशी मिलती है, वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, तो आप उसी के ऊपर फोकस करें। आपका कहने का ये मतलब है? तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि बड़े सारे बच्चों की बड़ी सारी अच्छी बातें आती हैं। आजकल ना लोगों की थिंकिंग होगी कि मेडिकल या मतलब सबकी नहीं है, पर कुछ कुछ आज भी समझते हैं कि जो मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और हमारे बच्चे को तो इसमें ही करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे का भी अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता है और वो इंटरेस्ट उसको ना सक्सेसफुल होने में किसी भी लाइन में आपका जहाँ पे ज़्यादा ध्यान है, जहाँ जिसमें जाना चाहते हैं, तो किसी भी फील्ड में काम जाओ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है डॉक्टर इंजीनियर ही लाइफ में आगे बढ़े हैं, ऐसी हजारों लाखों सक्सेसफुल होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड होना अगर तो आप अपने आप में सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर आप खुद से सेटिस्फाइड हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कर्माक्षी जी, एक लास्ट में, अब वीडियो अंधी हो गई है तो मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन का एक मैसेज ही पूछ लें कि लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि भाई आज के समय में जो आपके ऊपर बीत रही है, जो आपने जो एक्सपीरियंस किया है, तो आप उसको क्या शेयर करना चाहेंगी आपका मैसेज लोगों के साथ? जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो मैंने सीखा है कि आपको ना पढ़ाई के साथ साथ ना रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कामयाब होना ना हार्ड वर्किंग तो आपको होना ही पड़ेगा, पढ़ाई में हो या फिर एकेडमिक्स या फिर कुछ भी ले लो ओवरऑल। पर उसके लिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना इंसान की, वो उसको आगे लेके जाती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं जो आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से कर रहे होंगे ये हम समझ लेना अगर, तो हमारे पेरेंट्स भी खुश होते हैं। हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ चाहिए तो होता नहीं है, वो चाहते हैं उनका बच्चा सक्सेसफुल बन जाए। पर अगर बच्चा आगे से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, उनके लिए बारे में सोचता है कि हाँ मेरे पापा माँ बाप ने ऐसा किया है तो मैं भी आगे जाके उनका जो वो चाहते हैं वो करूँ, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो रिस्पॉन्सिबल होना तो बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको पागल होना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। तो चाहिए। आपको सही रूट पे जाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी, ये वो, पर होता कि आपको सीधे टारगेट पे जाना है। आपको जब आप पे ना अपने आप को बिलीव करते हो आप अपने आप पे, हमारे स्कूल का मोटो है बिलीव इनहेंसेस लाइफ, मतलब अगर आपको अपने आप पे यकीन है ना मतलब आप सब कुछ कर सकते हो। पर वो यकीन आपको पॉजिटिव वे में लेना है, मतलब आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव होता है हर इंसान की लाइफ में, कुछ ना कुछ जैसे बोलूँगी नहीं, मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर उसको वो साइड पे करके, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी पर जब साइड पे करके उसको वो या तो ग्रास्प कर लें या साइड पे करके जब अपनी रूट की तरफ जाने लगता है ना, अपनी रूट के लिए पागल हो जाता है कि मैंने ये करके दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है जो मुझ पे सवाल करते हैं या फिर कुछ भी, तो आप में ना वो जज्बा अपने आप आने लगता है कि हाँ भाई अब करके ही छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ता ऐसे। वो अब मेरा है कि मैं बनना चाहती हूँ तो बन के ही छोड़ूंगी, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं ना बड़े होकर इंस्पिरेशन बनूँ। जैसे बड़े सारे होते हैं जिनको कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मैं उनको दिखाऊं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके माँ बाप तो हमेशा आपके साथ रहेंगे ही, बट फिर भी उनको भी तो आपका सपोर्ट चाहिए ना किसी वे में। वो आपको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो थोड़ा सा एक मांगते हैं कि आप बड़े होके मतलब इतने हो जाओ कि उनका ध्यान रख सको, अब खुद का ध्यान रख सको सबसे पहले। तो फिर बस उनके लिए मोटिवेशन में खुद में एक मतलब मेरी आप ले लो एक एम है
कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनूँ, जो जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ ना हर कोई गुजरता है, बट वो कैसे उसको लेता है, पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो पॉजिटिव लेके अपनी रूट की तरफ चलता जाए ना, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके, तो वो पक्का सक्सेसफुल होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपके साथ ज़्यादा बातें की नहीं कभी मैंने, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान मैं जो देख रहा हूँ कि आप वाकई बहुत ही लाइक हो, आप कामयाबी के हकदार हो, बस आपको आपकी कामयाबी पक्की है, बस आपने अब जो सफ़र है उसको अचीव करना है, तो आपका पहले से ही वहाँ इंतज़ार हो रहा है कि आपने जो अचीव करना है वो आपको मिल जाएगा लाइफ में। तो आपने खाली सफ़र जो रह गया थोड़ा सा, पढ़ाई होगी या उसके बाद जो भी होना है, जो मेडिकल लाइन में जो आपने करना है, तो वो अचीव करिए जल्दी। और लास्ट में मैं एक छोटा सा और आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं जो मोबाइल से ही जुड़े रहते हैं, जैसे यूट्यूब पे बच्चे बड़ा कुछ देखते हैं, तो आप ज़्यादा क्या देखना पसंद करती हैं? मुझे आप और एक इसमें मैं टोक रहा हूँ आपको कि आपको लास्ट में एक मैसेज भी दे दीजिए कि बच्चों को ज़्यादा किन चीज़ों को देखना चाहिए और किससे सीखते हो, और आप कैसे सीखते हो, थोड़ा आप जिसके बारे में बता दीजिए ताकि बच्चों को मैसेज मिल जाए इसके बारे में। वैसे तो मैं सक्सेस स्टोरीज़ भी देखती हूँ, मतलब फेलियर स्टोरीज़ ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि इंसान ना किसी की गलती से सीखे ना तो वो सही बदलाव होता है। सबकी गलती निकाल तो लेते हैं पर वो अपने आप पे अमल करके उसको ठीक करके जो करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे फेलियर हुआ है जिनके साथ, बट आज वो सक्सेसफुल हैं। उनके फेलियर को ना उन्होंने पीछे छोड़ के जो न्यू स्टेप उठाया था ना सक्सेस का, वो मैं देखती हूँ। मतलब आप ले लो रतन टाटा जी ले लीजिए, वो तो बहुत ही मतलब उनके जैसा ना बनना चाहते, उनको आज देखें कितना कुछ है उनके पास, बट ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन विद अ हाई थिंकिंग। और वही मैं मोटिव रखती हूँ कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेशन तो आपको खुद में पहले जगानी पड़ेगी, देखने से पहले आप क्यों, ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ क्लासेस का देखें कुछ, मतलब एजुकेशन से ही रिलेटेड देखें, वो भी नहीं है। बट अगर आप किसी की इंस्पायरिंग स्टोरीज या फिर ऐसी मतलब फैक्ट्स वगैरह सुनते हैं तो आपको नॉलेज बढ़ती है आपकी, वो ग्रास्प करते जाते हो। एंड नॉलेज इज़ नॉलेज ग्रोज व्हेन इट इज़ शेयर्ड, ये भी हमारे स्कूल का मोटो है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जितनी नॉलेज ग्रास्प करोगे ना उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी आप में मोटिवेशन आएगी कि मुझे इतना पता है तो मैं इसको और अपने मतलब अपनी ज़िंदगी में कर सकती हूँ। ये तो बस मैं यही मोटिवेट करती हूँ और यही बोलना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सोच देख के ना मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी पॉजिटिव सोच के साथ आप चल रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे बच्चों को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे लोग बच्चे ही आगे जाके एक एग्जांपल सेट करते हैं दुनिया के ऊपर। आज से पीछे आप जितने लोगों को देख लीजिए जो महान हुए हैं, उनकी स्टोरी भी आपसे मिलती जुलती ही हैं, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज़ भी आपसे मिलती जुलती ही हैं, तो वो भी अचीव किया उन्होंने, वो भी आज इनका एक नाम है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। तो वैसे ही आप भी अपना हर गोल अचीव करिए, आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस आप मेहनत करते जाइए। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है हमेशा, और जहाँ आने के लिए थैंक यू वेरी मच चैनल पे। और दोस्तों, ये थी कर्मांक्षी जिनका इंटरव्यू हमने किया, तो लास्ट में हम इनको थैंक यू कहते हैं जहाँ आने के लिए। तो ये थी इनकी स्टोरी, तो मुझे लगता है कि शायद आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक बच्ची की स्टोरी, एक बच्ची की मेहनत, एक बच्ची की जो स्ट्रगल है, जो उसकी लाइफ स्टोरी है छोटी सी जो आपने हमने बताने की कोशिश की है, तो ये सब तक पहुँचे और लोग इससे थोड़ा सीखें, और बड़े सारे बच्चों को इससे मैसेज मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप या बच्चे इसको शेयर करें, माँ बाप इसको देखें, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं कि बच्चे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।